President of Society of Asian Civilizations to kindly come and introduce the ma'am. वो कहते हैं था जिसका इंतज़ार आखिर वो ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि नीलोफर की ये बात कि वो कहीं स्टक हो गई थी किसी ऑफिशियल कमिटमेंट में, उसके बावजूद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप फौरन प्रोग्राम शुरू करवा दें और मैं जो ही फारग हुई मैं आ जाऊँगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा नीलोफर बख्तियार को बहुत अपने दिल की गहराइयों से इस महफिल में खुशामदीद कहती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। ये एक मुल्क की मायानाज शख्सियत है। मोहतरमा नीलोफर बख्तियार को महज एक सियासी शख्सियत कहना गलत है। गो वो माजी में फेडरल मिनिस्टर और आजकल औरतों की फलाह व बहबूद के इदारे नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन की चेयरपर्सन की हैसियत से काम कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बर्दाश्त के प्लेटफॉर्म से तिरनोल जैसे पसमानदा इलाके में सेहत और तालीम के लिए हर दम कोशा हैं। मुल्क में जब भी कहीं कोई आफत आए मैडम और उनकी टीम मदद के लिए हर दम तैयार, चाहे मीरपुर का जलजला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे क्वेटा बलोचिस्तान की सिचुएशन हो, केपीके में हो। मुझे समझ नहीं आती कि इनके अंदर क्या जादू है कि हफ्ते के अंदर लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता है और फिर टीम जो है वो जाके वहाँ लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनकी एक और बात मैं आपको बताऊं, ये जब टूरिज्म की मिनिस्टर थी तो इन्होंने कमाल जुर्रत से टैक्सला के नवाह में एक वीरान जगह पर बहुत बड़ी बैनल अक्वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करा दी। धर्मा राजिका के स्टूपा पर बैनल अक्वामी वफूद को ले जाना मैडम नीलोफर का ही काम है। इनके ऐसे कामों को देखकर मैं ख्वाहिश रखती हूँ कि काश मुल्क में औरतों की ऐसी पोजीशंस पर औरतों की नुमाइंदगी उनके आबादी के तनासब से दी जाए और हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आप देखिए किसी भी ऑफिस में अगर वहाँ 10 आदमी हैं तो एक औरत के आने से वो सारे ऑफिस का कल्चर चेंज हो जाता है। औरत मेहनती है, औरत सिंसियर है, औरत वक्त की पाबंद है, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने बनाया ही इंसाफ के साथ है। तो मैं अब हायल नहीं रहती, मैं मैडम नीलोफर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे सिंगर, हमारे आर्टिस्ट और हमारे सामईन के लिए चंद अल्फाज कहें। मैडम नीलोफर का प्यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे दिल ही दिल में बहुत बुरा वाला कह रहे हैं, प्लीज़ ना कहिए। मैं एक तो माजरत का हूँ, लेट आई हूँ, लेकिन डॉक्टर मकसूदा क्योंकि मेरी बहन है और बहुत पुरानी दोस्त है तो इन्होंने तो कहना ही था मेरे बारे में अच्छे अल्फाज, इनकी भी मजबूरी थी तो इनको मार्जिन दे दें। और मेरा वादा है कि मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी और ना तो मैं सूफीज़म पर तकरीर करूँगी, क्योंकि मैं ये तो कह सकती हूँ कि इसके चार पिलर्स है, सात स्टेजेस है, मैं आपको पढ़ा भी सकती हूँ खड़े होकर सूफीज़म, लेकिन असल में मुझे इतना पता नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट आई एम अ पीस लवर, आई लव ह्यूमन बींग्स, आई लव ह्यूमैनिटी, आई लव पीपल एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द करंट सिचुएशन रिक्वायर्स ओनली
unity, love and peace in this country. And tolerance above all. अगर हमारे माशरे में बर्दाश्त पैदा हो जाए, अभी आपको डॉक्टर मकसूदा ने कहा क्योंकि हम दोनों एक छोटी सी एनजीओ है मेरी बर्दाश्त के नाम से, टॉलरेंस उसको हम कहते हैं, हमने इसलिए बुलाई है कि माशरे में हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, मर्द औरत को, बच्चे बच्चों को, बूढ़ा जवान को, अमीर गरीब को, अगर ये सब बर्दाश्त हमारे माशरे में आ जाए तो शायद हम पॉलिटिशियंस भी बर्दाश्त करना सीख जाएं। और हेट ऐसी चीज़ है, बस मुझे एक मिनट, आखिरी मिनट, मुझे पता है आप तो बहुत ही मुझ पर गुस्से होंगे क्योंकि आप जो कमाल करें मैं खुद बहुत इंजॉय करती हूँ, आप तो कमाल है, आप बिल्कुल कमाल है। आखिरी बात सिर्फ ये करनी है कि आज के हालात में और जो नफरतें और जो कुदूरतें पाकिस्तान के हर सूबे में, पाकिस्तान के हर बॉर्डर पर, पाकिस्तान के हर कोने में फैली हुई, गली कूचों में देखें, ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखें, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्या हो गया है? इस तरह की तकरीबात करें, दिनों में प्यार और मोहब्बत जन्म ले, मज़हब का असल मफहूम समझ आ जाए हमें कि मज़हब हमारा हमें सिखा क्या रहा है और हम किसकी तकलीफ करते फिर रहे हैं। सो बस यही है कि फॉर मी लव इज एसेंशियल एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लव बिल्ड्स, लव सपोर्ट्स, लव गैप्स द ब्रिजेस, एंड हेट इज समथिंग व्हिच कैन ओनली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सो लेट्स नॉट हेट, लेट्स लव। थैंक यू।